मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई। कमलनाथ ने कहा कि यह बैठक पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन के मुद्दे को लेकर हुई है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उपचुनाव के मामलों में नहीं पड़ते हैं, यह पूरी तरह से स्थानीय होता है। मध्य प्रदेश में अर्धनग्न प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी और रतलाम में 44 कर्मचारियों पर FIR होने के बावजूद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। मोर्चा ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। प्रदेश संयोजक दिनेश शर्मा ने कहा कि FIR के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया में लगातार बारिश और उफनती नदियों के बाद बाढ़ और तबाही से अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 लोग लापता है जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। नदियों के किनारे फंसे गांव से 1900 लोगों को बचाया गया है, लेकिन 2000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को भारतीय वन सेवा के 26 अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें मुख्य वन संरक्षक एवं भोपाल वन विहार नेशनल पार्क के संचालक अजय कुमार यादव भी शामिल है। माना जा रहा है कि विभाग के प्रमुख सचिव की नाराजगी के चलते उन्हें हटाया गया है। 6 माह पहले यादव को यहां पोस्टिंग मिली थी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि यादव के कामकाज से वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल नाराज चल रहे थे।